गुड मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कस अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल, इन विच वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, देयर ऑब्जर्वेशंस, और इन लास्ट वी हैव सीन द सम कंक्लूजन, और आफ्टर दैट ही प्रपोज एटॉमिक मॉडल इन विच वी हैव डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स। According to Rutherford model, atom is a hollow sphere in which most of part will be empty. So, most of alpha particles will pass through without any disturbance. Second point, the positive charge of nucleus will be positive charge of atom will be concentrated in the central point that was named as nucleus. Due to this, someone alpha particle will be come back at 180 degree. And last conclusion was that electrons are surrounded towards the nucleus in randomly. Due to this, alpha particles are attracted by the electrostatic attraction force. So some alpha particles will be destruct with the few angles. कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिस्ट्रक्ट हुए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए एम्प्टी स्पेस की वजह से, और कुछ अल्फा पार्टिकल कम बैक आ गए वो न्यूक्लियस की वजह से। ये एक फिनोमिना दिया था उसने एटम के स्ट्रक्चर के लिए। ड्रॉबैक्स हमने देखी है, ही कंपेयर द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विद द सोलर सिस्टम, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज के क्यू वन क्यू टू अपोन आर स्क्वायर, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इक्वल्स जी एम वन एम टू अपोन आर स्क्वायर। Second, he can't explain the stability of atom. He can't explain the proper arrangement of nucleolus, and he can't give the magnetic and electric field separation, that is Zeeman-Stokes effect or spectral lines of the hydrogen atom. ये कुछ drawbacks थी Rutherford model की। After that, we have to consult some concepts related to the atoms. फर्स्ट वन इज द आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स मीन्स सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, लेट एन एग्जाम्पल दैट इज 1H1, 1H2, 1H3। इसका मतलब ये होता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, एक ही एटम्स की बहुत सारी फॉर्म है जिसके अंदर जो लोवेस्ट नंबर है इट शो द एटॉमिक नंबर एंड द अपर नंबर विल बी शो द एटॉमिक मास, कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए एटम विच आर डिफरेंट ड्यू टू द एटॉमिक मास, कि एक ही एटम की बहुत सारी फॉर्म्स जो एटॉमिक मास में डिफरेंस की वजह से आती हैं, तो ये एटम्स इनकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम बोलेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए एटम इन विच दे आर डिफरेंट इन देयर एटॉमिक मास, कि एक ही एटम की बहुत सारी फॉर्म्स जिसके अंदर उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, दे आर नोन एज आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स एक ही एटम की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जिनके अंदर उनका मास डिफरेंट होता है। अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन विच दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, उसको आप क्या बोलते हो, आइसोटॉप्स बोलते हो। इसके आगे आपको एक बात ध्यान रखनी है, नीचे वाला जो एटॉमिक नंबर होता है इट ऑलवेज कंट्रोल द केमिकल प्रॉपर्टीज। आई रिपीट द स्टेटमेंट, द लोवेस्ट नंबर विच इंडिकेट्स द एटॉमिक नंबर इट्स ऑलवेज कंट्रोल द केमिकल प्रॉपर्टीज, वाइल द अपर नंबर विच शो द एटॉमिक मास इट ऑलवेज कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट। हियर द लोवेस्ट नंबर इज सेम, सो वी कैन से दैट आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट दे आर डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। याद रखनी है आपको, आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। नेक्स्ट, 1H1 जो हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं हम प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं, और 1H3 को हम ट्राइटियम बोलते हैं। एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन का नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है जब हम एटम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबके नीचे 1-1 लिखा हुआ है क्योंकि डाटा सबका क्या है, सेम है। न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालने के लिए हम अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू निकालते हैं, तो 1-1 0, 2-1 1, 3-1 2, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर 0, 1, 2। इसका मतलब ये होता है कि आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी कांस्टेंट है, प्रोटॉन्स का नंबर भी कांस्टेंट है, बट वेरिएशन कहाँ आ रहा है, न्यूट्रॉन्स के नंबर में। तो हम बोल सकते हैं न्यूट्रॉन्स आर फॉर्म्स ड्यू टू वेरिएशन इन
न्यूट्रॉन्स कि आइसोटॉप्स कब बनते हैं, जब न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है तो आइसोटॉप्स बनते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाह रहे हो तो नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिखा है 6C12, 6C13 एंड 6C14। ये कार्बन के आइसोटॉप्स हैं जिनके अंदर इनका एटॉमिक नंबर तो सबका 6 ही होगा ऑब्वियसली जब कार्बन की बात कर रहे हैं, और जो एटॉमिक मास है एक में 12 में है, एक में 13 है, एक में 14 है, तो वही अगेन जो एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन का नंबर है, प्रोटॉन का नंबर है, वो सब में 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर रिस्पेक्टिवली 6, 7, 8। देर इज अ वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिमिलरली क्लोरीन में भी होगा। लास्ट ये लाइन अपन देख चुके पहले, आइसोटॉप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो वेरी करता है किसको, केमिकल प्रॉपर्टीज को। ओके, नेक्स्ट टर्म है आइसोबार्स। देखो आइसोबार्स का क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर आर कोल्ड आइसोबार्स। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट एलिमेंट्स, इसका मतलब अलग अलग एटम्स की बात हो रही है, अलग अलग एटम्स जिनका मास सेम हो। आर्गन एक अलग एटम होता है, कैल्शियम एक अलग एटम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। डिफरेंट एटम्स विच हैव सेम मास, एटम ही डिफरेंट हो गए तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो आइसोबार्स आर द एटम्स विच आर डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर बट दे हैव सेम मास, कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता हो पर जिनका मास बिल्कुल इक्वल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। आइसोबार्स के अंदर देखो नीचे वाला जो डिजिट होता है इट कंट्रोल द केमिकल प्रॉपर्टी। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग है बट सेम क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम बोल सकते हैं आइसोबार्स हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। आइसोबार्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, देर फिजिकल अपीयरेंस, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इस तरीके से उनकी डेंसिटी क्या है, इस तरीके से, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये आते हैं। तो आइसोबार्स के लिए क्या टर्म है, एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम इन मास, आइसोबार्स। एलिमेंट्स विच आर सेम इन एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास, एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, आइसोटॉप्स। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास सेम है आइसोबार, एटॉमिक नंबर सेम है आइसोटॉप्स, ठीक है। थर्ड जो टर्म है वो है आइसोटोन्स। इसका मतलब आइसो मतलब सेम, टोन्स का मतलब क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स। एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, एटम्स जिनके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो बट उनका एटॉमिक नंबर और उनका मास नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा, ऐसे एटम्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स बोलेंगे। एक चीज़ देखें आप, इधर ए इक्वल्स होता है पी प्लस एन, ठीक है, ए इक्वल्स होता है पी प्लस एन। आई वॉन्ट टू नो एन इक्वल, देन एन इक्वल होगा ए माइनस पी, क्या है ही? वो देखिए मैंने लिखा 15P31 और 16S32, 15 फास्फोरस 31, 16 सल्फर 32। ये जो नंबर है वो P को शो करता है, ये नंबर Z को शो करता है, ये नंबर E को शो करता है, ऊपर वाला जो नंबर है वो A को शो करता है। प्रोटोन, Z, इलेक्ट्रॉन सबका नंबर 15, सबका नंबर 16, क्योंकि लोवेस्ट नंबर प्रोटोन है, वही Z है, वही इलेक्ट्रॉन है जब एटम की बात हो रही है। न्यूट्रॉन का नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए अपर वैल्यू ए माइनस क्या घटाएंगे अपन, पी को घटाएंगे, तो ए में से इसको घटाएंगे, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, देन 31 माइनस 15 इक्वल आ गया 16। इसमें भी अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू कितना आ गया 16। यहाँ पे दोनों की ये वैल्यू सेम नहीं है, ये वैल्यू भी सेम नहीं है, बट इनके अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या है, सेम है। इन एटम्स का ना तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, ना ही एटॉमिक मास सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर सेम क्या होता है, न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोन्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एटम्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास बट दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
कि ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों डिफरेंट होते हैं बट उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, इस वजह से उनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 6 से 14, 7 एंड 15, 8 और 16, एक बार डायरेक्टली निकालेंगे तो 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, 16 माइनस 8 8, सबके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, 8 8 8 8, तो ये सारे आपस में क्या हो गए, आइसोटोन्स हो गए। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थी, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, किससे, एटम से रिलेटेड थी। अब हमने पढ़ा है थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल के बाद में थॉमसन मॉडल की ड्रॉबैक्स पढ़ी थी, थॉमसन मॉडल को थोड़ा सा डेवलप करने के लिए आया था रदरफोर्ड मॉडल, देन हमने रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल मॉडल पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग एटम की जो मॉडल है वो उसने प्रपोज किया, बट उस एटॉमिक मॉडल में भी कुछ क्या है, ड्रॉबैक्स हैं। उस मॉडल को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट जो मॉडल आएगा वो आएगा बोहर एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल आएगा। इसके डेवलपमेंट के लिए उसने कुछ थीम्स दी थी, कुछ चीज़ें दी थी, उसने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताई थी, उस कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे उसने एटम का जो मॉडल है वो रिप्रेजेंट किया था या फिर एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया था। तो हम देख रहे हैं डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, कि एटॉमिक नील्स बोर मॉडल को वेरीफाई करने के लिए जो कुछ कॉन्सेप्ट्स थी वो है, सबसे पहले उसने दो वर्ड काम में लिए थे, एक तो ड्यूअल नेचर, एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और एक तीसरा वर्ड काम में लिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है ना, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा से बाद में देखेंगे, पहले अपन ड्यूअल बिहेवियर देखते हैं। ड्यूअल बिहेवियर को शो करने के लिए इसने कई सारी थीम्स दी थी। ड्यूअल बिहेवियर का मतलब क्या होता है, ड्यूअल मतलब डबल, बिहेवियर मतलब बिहेवियर, ऐसी कोई चीज़ जिसके दो बिहेवियर होते हैं। यहाँ पे चीज़ की जगह अपन किसको पढ़ने वाले हैं, लाइट को पढ़ने वाले हैं, लाइट वही है जो कैथोड रेज थी। ठीक है ना, कैथोड रेज थी तो वो लाइट ही थी एक तरह से। लाइट जो है, इसने ये कहा कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल से भी मिल करके बनी होती है, और ठीक वहीं पर किससे मिल करके बनी होती है, वेव से भी। इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि लाइट हैव द बोथ प्रॉपर्टीज, इन सम केसेज इट बिहेव्स एज पार्टिकल एंड अदर केसेज इट बिहेव्स लाइक एज वेव, कि लाइट जो होती है उसके अंदर पार्टिकल की तरह भी ट्रीट करने की प्रॉपर्टी होती है और दूसरा वेव की तरह भी ट्रीट करने की प्रॉपर्टी होती है। तो हम बोल सकते हैं कि इट हैव ड्यूअल बिहेवियर, कि इसका ड्यूअल नेचर होता है। इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं दे पाया था, थ्योरेटिकल बात इसने कही थी। डी ब्रॉगली आएगा आगे साइंटिस्ट, उसने प्रूव किया है कि लाइट की ड्यूअल नेचर किस किस कंडीशन में होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसने यही शो किया है कि लाइट वेव की तरह ही नहीं, कुछ कंडीशन में वो पार्टिकल की तरह भी ट्रीट करता है। ठीक है ना, दूसरा उसने एक्सप्लेन करने के लिए दिया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बार बार नाम आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये वो सब क्या आएगा। जब रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था तो उसने एक थीम बना दी थी कि एटम ऐसा कुछ राउंड स्फीयर होता है, उसके बीच में कुछ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट होते रहते हैं, जिस पाथ पर वो सर्कुलेट होते हैं उस पाथ को उसने नाम दिया था ऑर्बिट। ये मॉडल सामने आ गया था रदरफोर्ड से। इसका मतलब ये होता है कि एक एटम के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का किस किस एनर्जी लेवल से रिलेटेड है जब उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसका जो ग्राफ लेते हैं उस ग्राफ में बहुत सारी लाइंस आती हैं, वो किसके हिसाब से आते हैं, इस एनर्जी लेवल के हिसाब से आती है, इस ऑर्बिटल के हिसाब से आती हैं, उन लाइंस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा। आई रिपीट द कॉन्सेप्ट, एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, किस ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या फिनोमिना रहेगा, तो द फिनोमिना रिलेटेड टू द ऑर्बिटल्स इज डिनोटेड बाय लाइंस इन द ग्राफ ऑफ एटम, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रा। कि स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन ड्यू टू द ट्रांजिशन बिटवीन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, कि एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से जो लाइंस हमको मिलती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम आगे देखेंगे, अभी आप देखिए ड्यूअल नेचर ऑफ बिहेवियर या फिर लाइट का जो ड्यूअल नेचर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने जो कॉन्सेप्ट्स काम में ली थी उसके अंदर देखो, पहली जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने का वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में एक्सप्लेन करने के लिए उसने क्या करा वो देखो,
फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स कॉन्सेप्ट, न्यूटन ने जो कॉन्सेप्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट आर नोन एज कॉर्पसल्स. न्यूटन ने ये कहा था कि जो लाइट होती है वो स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है जिसको कॉर्पसल्स बोलते हैं अपन. कॉर्पसल्स क्या होती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जस्ट लाइक डस्ट पार्टिकल की तरह अपीयर होते हैं वो, जिसको आप बोसोन पार्टिकल भी बोल सकते हो. उनका ना तो चार्ज का पता है ना ही उसके मास का पता है, सिर्फ इतना है कि जो स्मॉलर पार्टिकल हैं जिनकी नेचर डेफिनेट नहीं है, नेचर उनके फील्ड पर डिपेंड करती है, उसको कॉर्पसल्स बोल रहे हैं. ठीक है, किस तरीके से मिलता है तो आप देखिए, एक 3D डायग्राम है जिसके अंदर मैंने ये कहा है कि यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है. इस पार्टिकल के एक तरफ आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया है और दूसरी तरफ आपने कौन सा फील्ड अप्लाई किया है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है. जब पार्टिकल को आप एक्सीलरेट करोगे, हाईली इसको स्पीड दोगे, किसमें, When any particle is accelerated in presence of electric and magnetic field, दोनों field के presence में accelerate करते हो, then जो particle है, अगर particle nature ही होती तो ये क्या करता, ये straight path के अंदर move कर जाना चाहिए था. लेकिन जब भी particle को accelerate करते हो, charged particle को रखते हो, when any charged particle is kept in presence of electric and magnetic field, then it move. Then it doesn't move in a straight path, but it move above and below the plane. कि जब एक पार्टिकल को आप रखते हो तो वो प्लेन के अबव और बिलो क्या करता है, मूव करता है. और प्लेन के अबव और बिलो मूव करने की जो नेचर होती है वो उसकी वेव नेचर को शो करता है. ठीक है ना, वेव नेचर को शो करता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो प्लेन के अबव की तरफ जाती है उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो क्रस्ट, और जो नीचे की तरफ जो स्ट्रेट आती है उसको बोलते हो थ्रो. गड्ढा जो बन रहा है उसको थ्रो बोलते हो, जो ग्रूव आ रही है, जो उभार आ रहा है उसको आप बोलते हो क्रस्ट. ठीक है, बीच का हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं. ठीक है ना, इसकी मैक्सिमम विड्थ है ये, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं. तो अगेन आई रिपीट द कॉन्सेप्ट, व्हेन एनी चार्ज्ड पार्टिकल इज कैप्ट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट पाथ. आफ्टर ऑल इट मूव अबव एंड बिलो द प्लेन जस्ट लाइक ए वेव. Such type of nature of any particle is known as electromagnetic radiations, or other word we can say that the particle behaves just like as the electromagnetic radiation. न्यूटन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पार्टिकल जो होता है उसके अंदर कुछ स्मॉल कॉर्पसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, उसकी नेचर को डिनोट करती हैं. ये लिखा है, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट मूव्स अबव एंड बिलो द प्लेन, दिस नेचर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए पहले अपन देखो ड्यूअल नेचर बताइए. पहले हम वो एविडेंस देख रहे हैं जिसमें लाइट वेव की तरह ट्रीट कर रही हो, आगे अपन वो एविडेंस देखेंगे जिसमें लाइट पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रही होगी, है ना. अभी तो वो देख रहे हैं जिसमें लाइट वेव की तरह ट्रीट कर रही है, अगले जो एविडेंस होंगे, जो एक्सपेरिमेंट होंगे उसके अंदर हम देखेंगे जिसके अंदर वो पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रही होती है. उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले वेव को एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म आती है, वेव लेंथ. जैसा वर्ड है वैसे ही, वेव की लेंथ ही क्या होती है, वेव लेंथ होती है. सबसे सिंपल डेफिनेशन तो यही हो जाएगी, द कम्प्लीट लेंथ ऑफ ए वेव. Complete length of a wave is known as wavelength. क्या पता चले कि वेव कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, एक बार अबव द प्लेन ले लो, एक बार बिलो द प्लेन ले लो, तो यहाँ से यहाँ तक की. ठीक है, अगर आप यहाँ से लेना चाह रहे हो तो दोबारा जब ये पॉइंट आए वहाँ तक की लेंथ, बिलो द प्लेन, नाउ अबव द प्लेन, तो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट. बिलो द प्लेन से चलते हो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पॉइंट, कोई भी दो सेम पॉइंट्स जिसमें पूरी कंप्लीट वेव बनती है अबव और बिलो द प्लेन, दोनों एक्सिस एक साथ आ जाते हैं, उस लेंथ को आप बोलोगे वेव लेंथ. लैंग्वेज के टर्म में बोल सकते हो आप, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और नियरेस्ट थ्रो, यानी कि दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस या फिर दो ग्रूव्स के बीच का डिफरेंस,
ही क्या होता है, वेवलेंथ होता है, और सिंपल वर्ड्स में आप बोलना चाहोगे तो आप बोल सकते हो इट इज़ द कंप्लीट लेंथ ऑफ ए वेव. इट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा. ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है लैम्डा. लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं. एंड मेजर्ड इन लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रोम में. ठीक है ना, वे बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं इसलिए मोस्टली अपने नैनोमीटर, एंगस्ट्रोम, पिकोमीटर यही वाली काम में आती हैं. तो वेवलेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रोम, ये वाली. ठीक है, कंप्लीट लेंथ ऑफ ए वेव है उसको अपन बोल रहे हैं वेवलेंथ. ठीक है, लैम्डा से डिनोट किया है दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस या फिर दो थ्रोस के बीच का डिफरेंस ही क्या होती है, वेवलेंथ होती है. पहली टर्म कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने फास्टली जा रही है, उस चीज़ को अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. आज की क्लास में इतना ही, एनफ फॉर द टुडे. नाउ आई हैव टू ड्रॉप द लेक्चर. थैंक्स, हैव ए नाइस डे, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक. थैंक यू बेटा.